मित्रों, जब हमारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना या फिर कोई अपराध होता है तो हम इसकी रिपोर्ट लिखाने थाने जाते हैं। लेकिन थाना पुलिस का भी एक क्षेत्राधिकार होता है, उसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थाना पुलिस कार्य करती है। यदि हमारे साथ जो घटना दुर्घटना या अपराध हुआ है वो उस थाने की सीमा के अंतर्गत नहीं होता तो वह थाना पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में जानेंगे क्या है इस समस्या का समाधान और क्या है जीरो FIR। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, FIR को समझने से पहले हमें जानना जरूरी होगा कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अपराध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक संज्ञेय अपराध अर्थात कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, दूसरे असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, इस प्रकार के मामले संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार के छोटे जो मामले होते हैं वो असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो वह इसकी रिपोर्ट मींस FIR लिखाने थाने जाता है। लेकिन थाना पुलिस का भी एक अपना क्षेत्राधिकार होता है, उसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थाना पुलिस अपना कार्य करती है और उसी थाने की सीमा के अंतर्गत हुए अपराधों की FIR दर्ज करती है। लेकिन यदि हमारे साथ जो घटना हुई है और उस थाने की सीमा के अंतर्गत नहीं आती है तो वह थाना पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है और हमें उसी थाने में जाना होता है जिस थाने की सीमा के अंतर्गत हमारे साथ अपराध हुआ है। अब जानेंगे कि क्या है जीरो FIR। जब हमारे साथ किसी अन्य थाने की सीमा के अंतर्गत अपराध हुआ हो और हम उसकी रिपोर्ट किसी अन्य पुलिस थाने में कराएं तो वह जीरो FIR कहलाती है। मतलब जिस थाने की सीमा के अंतर्गत अपराध हुआ था उस थाने में रिपोर्ट दर्ज न करा करके किसी अन्य थाने में जब हम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो वह जीरो FIR कहलाती है। उस थाने में जब ये रिपोर्ट दर्ज होती है तो इसको किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस थाने की सीमा में यह अपराध नहीं हुआ होता है। लेकिन आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, साक्ष्य एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया जाता है और जीरो FIR दर्ज होने के बाद में उस रिपोर्ट को संबंधित थाने में जिस थाने की सीमा के क्षेत्राधिकार में वह अपराध घटित होता है उस थाने को वह रिपोर्ट भेज दी जाती है और उस थाने में जाकर के उस रिपोर्ट पर अपराध संख्या पड़ती है, क्योंकि वह जो अपराध हुआ है वह उसी थाने की सीमा के अंतर्गत होता है। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आने से पहले किसी अन्य क्षेत्राधिकार वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती थी। थाना पुलिस हमें यह कहकर के लौटा दिया करती थी कि इस थाने में वह अपराध नहीं हुआ है, इसको क्षेत्राधिकार नहीं है, हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकती। लेकिन जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आने के बाद में पुलिस के ये आनाकानी बंद हो गई है। पुलिस के पास केवल एक ही उपाय बचा है कि यदि कोई प्रार्थी, यदि कोई पीड़ित जिसके साथ में कोई भी संज्ञेय अपराध कारित हुआ है उसकी रिपोर्ट उनको लिखनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जीरो FIR का प्रारंभ कब और क्यों किया गया। मित्रों, वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप कांड के बाद में सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न तथा अपराध की रोकथाम के लिए
जस्टिस जे एस वर्मा की अगुवाई में एक वर्मा कमेटी का गठन किया और वर्मा कमेटी ने सारा विश्लेषण करने के बाद में यह सलाह दी कि यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ में कोई भी संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह व्यक्ति अपनी पसंद के नजदीक के किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तभी से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं कि जीरो एफआईआर के क्या लाभ हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी संज्ञेय अपराध कारित होता है तो वह व्यक्ति अपनी सुविधा के तथा पास के थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। उससे साक्ष्य के नष्ट होने का भय बहुत कम होता है। जबकि पहले जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आने से पहले व्यक्ति को उसी थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिपोर्ट लिखानी होती थी जिस थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसके साथ कोई अपराध घटित होता था, जिससे कि साक्ष्य के मिटने का भय अधिक रहता था, एफआईआर में देरी होती थी और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय मिलने में भी अनेकों अनेक कठिनाइयां होती थी। लेकिन जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आने के बाद में सारी समस्या समाप्त हो गई। वह किसी भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है जिससे साक्ष्य एकत्रित करने में मदद मिलती है तथा साक्ष्य के समाप्त होने का भय खत्म हो जाता है। जीरो एफआईआर के लाभ को हम आसाराम बापू के केस से देख सकते हैं। आसाराम बापू ने जोधपुर में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। उस नाबालिग लड़की ने अपने स्थान पर अर्थात दिल्ली में आसाराम बापू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। उसी केस में आज भी आसाराम बापू जेल काट रहे हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।